मन सोच के घिन आ रही है कि मुक्का मकत मारो विभूति हमारी मसाज कर दो। अरे दादा पहले तो एंजॉय कर लो फिर घिन आ रही है। ठीक है दे बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है। सारे बड़ी मस्ती छा रही है निकाले मस्ती तुम्हारी निकाले मस्ती पहले पहले दांत निकाल रहा हूँ 6 घंटे से। दरोगा जी तुम्हारा तो वो मारो साहब है कि घोड़ो ना मिले ना तो गधे के कान मेंटे का फकर हो जो। दरोगा जी दरोगा जी तुम्हारा तो वो वालो साहब है कि घोड़ो ना मिले ना तो गधे के कान मेंटे का फकर हो जो। दरोगा जी बिल्कुल ठीक तो बोल रहे हैं वो विभूति भैया जो कटोरी मालिश वाली बनकर सबके बेवकूफ बना रहे हैं उन्हें तो तुम पकड़ ना सके और हमें खाना खा पी रहे। बेटा ठहर जाओ तुम ठहर जाओ कटोरी को अगर हमने मार मार के कटोरा ना बना दो तो हमारा नाम दरोगा। अरे दादा हमें लगता है तुमने कछु कस के मालिश करवा लेगा। दरोगा जी भैया जी को बिल्कुल लचर पचर कर दियो। दरोगा जी हमने 15,000 रुपए इनाम रखे हैं अगर तुम में से किसी को भी मिले ना तो उसकी पकड़ के जमते सुताई करना और हम तुम सबको जो है 15,000 रुपए कैश दे देंगे। अच्छा हाँ ऐसे हुए भैया तिवारी तो तुम फिर 15,000 रुपया कैश निकाल के रखो वो विभूति को बच्चा कहीं पे भी छुपे हुए हम सारे के बिल में से खींच के निकालेंगे और बाकी गुर्दा छीन लेंगे। तुम 15,000 रुपया कड़क निकाल के रखो। सोच के हमें घिन आ रही है कि वो कमबख्त माँ हो विभूति हमारी मसाज कर गो।